चलें, यहाँ पे क्या डिटेल आनी चाहिए? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कंफ्यूजन्स we will get back to you as soon as possible. ठीक है, नीचे आप अपना फोन नंबर लिख देंगे, जो भी आप लिखना चाहते हैं नीचे आप लिख देंगे, अपना बिजनेस एड्रेस या एड्रेस, और क्या आ सकता है यहाँ पे, ईमेल आ सकता है, abc@gmail.com. ये आपने डिटेल कुछ लिख लिया, आपने जहाँ जिस चीज़ को बोल्ड करना है आप उसको बोल्ड कर सकते हैं. और ये आपने बोल्ड कर दिया, ठीक है. इसमें हम बाद में आते हैं. नीचे आपको मैं एक और चीज़ ऐड करवाने सिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे अपने सोशल मीडिया आइकॉन्स ऐड करना चाहते हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वो कैसे ऐड करेंगे? इसके दो वेज हैं, आपको दोनों वेज समझा देता हूँ. पहला तो ये है कि आप सिंपल लिखें फेसबुक, पाइप का साइन ऐड करें, आपके एंटर के बटन के बिल्कुल टॉप पे आपके पास पाइप का साइन आता है, पाइप का साइन ऐड किया, उसके बाद ट्विटर, पाइप का साइन, पाइप का साइन, लिंक्डइन, ठीक है. आपने ये ऐड किया और इनको आप लिंक्स ऐड करते जाएं इस इन पे टॉप पे, ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर ये फेसबुक है तो आप फेसबुक का लिंक अपना कॉपी करें, यूआरएल फेसबुक पेज का लिंक करें इसको, डन, ये लिंक ऐड हो गया, ठीक. एक तो वे ये है. दूसरा वे, अगर आप थोड़ा सा इंटरेक्टिव करना चाहते हैं ऐड के, आप थोड़ा सा अच्छा लगे लगा हुआ, आप क्या करेंगे, आप एक 4x1 का एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, टेबल, इसको आप विड्थ कर देंगे इसकी 100%, ये बल्कि 100% ना करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, वैसे ही रहने दें. तो कॉपी करें इसको और HTML में जाके बॉटम पे आप इसको ऐड कर दें. जैसे बॉटम पे ऐड करेंगे आपके पास ये चार बॉक्सेस आ जाएंगे, इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट कर लें, ठीक है, अलाइनमेंट बाद में हो जाएगी, मसला नहीं है. अब आप क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे गूगल पे फेसबुक आइकॉन इमेजेस, ये फेसबुक आइकॉन आ गया आपके पास, इसको आप ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे और इसको एज ए इमेजेस इंसर्ट करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक. ये काम यहाँ पे आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, जब हम वर्डप्रेस से मूव करेंगे चीज़ें इतनी स्मूथ और इतनी आसान हो जाएंगी कि आप कहेंगे ये तो एक क्लिक का काम है. सिर्फ यहाँ पे हम टेबल खुद ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे टेबल ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, ठीक. ये मैंने ऐड किया, अभी हमने बहुत बड़े साइज़ का ऐड किया है, इसकी इसकी साइज़ एडजस्टमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है. अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, देखो, ठीक है, 1, 2, 3, अगर आप साइज़ जितना इसका रिड्यूस कर देंगे उतना ही छोटा आएगा. आप साइज़ यहाँ से निकाल भी सकते हैं, आइकॉन 50x50,
ये आपको 50 पिक्सल्स बाय 50 पिक्सल्स का मिल जाएगा। आप लिखेंगे यहाँ पे 25 बाय 25, शायद वही मिल जाए आपको, 10 बाय 10, 10। तो साइज आप जितना रिड्यूस करेंगे खुद से तो उतना ही साइज आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखें हमें साइज का कितना इशू होता है, होता है, बट जब आप वर्डप्रेस में जाते हो तो आप सारे इमेज सेलेक्ट करते हो, री साइज का बटन प्रेस करते हो और री साइज करके सारे इमेजेस का साइज सेम हो जाता है, तो वो आपको इशू नहीं आएगा उसमें। और आप इन इमेजेस को आप लिंक कर दोगे अपने फेसबुक के साथ, ट्विटर के साथ, इंस्टाग्राम के साथ। इमेजेस को लिंक किस तरह किया जाता है, कौन बताएगा? ये रख, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और तो यहाँ फेसबुक, अपना फेसबुक यूआरएल ऐड कर दूंगा तो मेरा वो फेसबुक पेज के साथ लिंक हो जाएगा। सेम गोज विद ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जो भी आपके ऑप्शन होंगे। नहीं, ये देखो, ये देख लो, टेक्स्ट पे फॉर एग्जांपल मैं इसको इसको लिंक करता हूँ फेसबुक के साथ, ठीक है, कर दूँ। ये प्रीव्यू मोड में आपका लिंक वर्क नहीं करता, मैं इसको पब्लिश करता हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने लिंक ये इस पेज का ऐड किया हुआ है प्रीव्यू, ठीक है। चले हम इसको लिंक को चेंज करते हैं, फेसबुक का ऐड करते हैं, facebook.com। अपडेट, ठीक है। अच्छा, लिंक ऐड करते हुए कुछ ऑप्शंस आ रही थी, उसको आपने एक्सप्लोर किया? ये जो ऑप्शन कुछ आती हैं, ओपन दिस लिंक इन न्यू टैब, न्यू विंडो, ऐड नो फॉलो एट्रीब्यूट, ये किसने किया एक्सप्लोर? क्या मतलब होता है न्यू विंडो का? क्लिक करते हैं तो आपका सेम पेज पे लोड नहीं होता, आपका पेज एक नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाती है, ठीक। तो ये आपको आना चाहिए, खैर ये चीज़ें समझ आ गई कुछ चीज़ें, पेज का स्ट्रक्चर। आपने इस टेबल को रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल इस पूरे टेबल को, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक, ये रहा, क्योंकि आपका टेबल यहाँ स्टार्ट होता है बॉर्डर वन से, ठीक है। इसको रिमूव किया आपने और रिमूव, ठीक है। जिसको नहीं समझ आई वो पूछ ले। दो रोज ऐड की थी मैंने, मैंने तो कुछ भी रिमूव नहीं किया, मैंने तो कुछ रिमूव नहीं किया। अच्छा, आपने, आप चाहते हैं कि आप ईमेल, जी, कस्टम टेबल ड्रॉ करना हो तो आप HTML अगर आपको आती है तो आप उससे कर सकते हैं। वो आपको खुद बनाना पड़ेगा, वो हो जाता है, वो ट्राई करना आप, वो हो जाएगा। आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ेंगी, मैं औरों को इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहता फिलहाल अभी। जनरेट टेबल्स, ये देखो आपके ये TD कितने आ रहे हैं यहाँ पे, दो आ रहे हैं। आप TD बढ़ाते जाएं, आपके कॉलम बढ़ते जाएंगे। मैंने आप लोगों को भी HTML नहीं कराई और ना ही मेरा मूड है करवाने का HTML, तो आप इसको खुद से करना, ठीक है। हाँ, वो आप करना उसको।
ये टी डी जो आ रहा है, टी डी आपका, टी डी और टी आर, आप इसको समझ लो, आप पूरा टेबल बना सकते हो, ठीक है। खैर अच्छा, आप चाहते हैं कि यूज़र आपकी ईमेल आईडी पे क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली एक ईमेल बॉक्स ओपन हो जाए और आपको वो कांटेक्ट कर सके, ठीक है। तब वो आपको मैंने बताया था जब हमने आउटलुक नहीं, जब हमने हमने फिलेबल पीडीएफ फॉर्म किया था, आप लोगों को मैंने एक टैग बताया था मेल टू का, याद है किसी को? मेल टू टैग किसी को याद है? ये मैंने लिखा, मैं इसको मेल टू का टैग ऐड करना हूँ मैंने, ये देखें ये आ रहा ईमेल, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखें विच ईमेल एड्रेस शुड दिस लिंक टू, किस ईमेल आईडी से लिंक हो, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखें, उसको आप ओके कर दें, जैसे यूजर इस पे क्लिक करेगा ईमेल बॉक्स ओपन होगा और वो आपको ईमेल कर सकता डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन जब हम वर्डप्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम एक फॉर्म ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसमें आपका नेम, सब्जेक्ट और बाकी सारी चीज़ें आएंगी। तो आप लोगों को मैं साथ साथ वर्डप्रेस का कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप वर्डप्रेस स्टार्ट करें हम लोग, तो आप लोगों को सारी चीज़ें आती हैं और समझ पता होंगे, हम इस ये भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलें, किसकी समझ नहीं आई? मेल टैग की समझ आई? चलें, मेल टैग आपने ऐड करना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस, आप जब इस ईमेल एड्रेस, यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल कोई भी abc@gmail.com, ओके किया मैंने। अब जब यूज़र इस ईमेल पे क्लिक करेगा ना, तो एक ईमेल बॉक्स ओपन होगा उसके सामने, जैसे आपका आउटलुक ओपन हो जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसमें टू वाला ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली एडिट होगा, ये वाला हमारा, ठीक है। बस अपना ईमेल एड्रेस, अपना वो मैसेज टाइप करेगा और सेंड कर देगा। लोकेशन मैप इसमें नहीं लगता हूँ, लोकेशन मैप, हाँ वेरी गुड, अगेन गुड क्वेश्चन। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आप, यहाँ पे आप इमेज ऐड कर सकते हो। अगर आप लोकेशन मैप ऐड करना चाहते हो, उसका तरीका स्क्रिप्ट के थ्रू है, वो देख लें। फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप्स, पी यू गुजरा वाला, हम आ गए यहाँ पे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आएगा कहीं पे एम्बेड टेबल, नहीं ये रहा, शेयर एम्बेड अ मैप, ये आपके पास लिंक आ रहा है, ये रहा देखो, ठीक। इसको आप कॉपी करोगे, अगर ये स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता हुआ तो ये आ गया मैप, ठीक है। इसको प्रीव्यू करें और आपका मैप एडिट, ठीक है। किसको समझ नहीं आई यहाँ इसकी मैप ऐड करने की समझ, किसको नहीं है क्या? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, लोकेशन एचटीएमएल में जाके होगा। किसको समझ नहीं आई मैप ऐड करने की, फ्रीली बताएं, होश में आ जाएं। कितने लोग कहते हैं दोबारा बता दें? तीन चार ही हैं बस, माइनॉरिटी, आप लोग माइनॉरिटी हैं, नहीं बताना मैंने दोबारा। चलें दोबारा देख लें आप लोग, आप गूगल मैप्स ओपन करेंगे, maps.google.com, यहाँ पे अपनी लोकेशन सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका घर है, चलें हम छोड़ें, सूफी कुल्फी वाले ही करते हैं हम, ये रहा, ठीक है। चलें खैर यही आ गया, ठीक है आ गया, हमने इसको ऐड करना है, तो आप शेयर का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है लिंक टू शेयर, आप इस लिंक को शेयर नहीं करना, आपने एम्बेड मैप पे जाना है, एम्बेड मैप पे जाएंगे तो आपके पास ये कोड आ रहा है, ठीक है। इस कोड को आप कॉपी करेंगे, वापस अपने पेज पे आएंगे, HTML और बॉटम पे या जहाँ पे आपने अपना ऐड करना है एड्रेस या आपने अपना मैप ऐड करना है, वहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आपने पेस्ट किया, अपडेट किया, प्रीव्यू करेंगे, आपके पास शो हो जाएगा। बट वट इफ़ अगर मैंने अपना ये मैप इस जगह पे इंसर्ट करना है,
ये मैंने टेबल क्रिएट किया, मुझे बताएं मैं कहाँ पे इसको इंसर्ट करूँ। मैं फिलहाल इसको रिमूव कर दूँ सबको, ये मैंने रिमूव किया, इसको भी रिमूव किया, डन। अब मुझे कौन बताएगा कि मैं कैसे इसको इंसर्ट करूँ? कौन सा टेबल डेटा? बताएं, उमर बताओ। टेबल बॉर्डर के नीचे, बॉर्डर किधर है टेबल का? ये यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ, यहाँ पे, इधर, ये मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। चले, उमर कह रहा है यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए। प्रीव्यू करते हैं उमर कि क्या हमारे सामने आता है। उमर, हमारा टेबल तो गया कहीं और। और कोई टी आर के बाद कहते हो? चले हम टी आर के बाद करते हैं। किधर है टी आर? ये यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ? ठहर जाए, मैं उससे बात कर रहा हूँ, प्लीज जी। इसे नीचे वाले लाइन में यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ? इधर ये टी डी स्टार्ट हो गया, यहाँ पे यहाँ इंसर्ट कर दूँ? ठीक है, चलें प्रीव्यू करते हैं। ये देखें, अब हमारा सही जगह पे प्लेस हो गया। वजह क्या थी? आप कह तो टी आर रहे थे, लेकिन हमने इंसर्ट कहाँ किया है? टी डी के दरमियान में, ठीक है। टी डी मीन्स टेबल डेटा होता है। आप दो टी डी आ जाएं, टी डी इधर, टी डी इधर, तो उसके सेंटर में आप अगर पोस्ट करेंगे तो वो एक टेबल बॉडी के दरमियान में होगा। अगर हमने दूसरी साइड पर मैप लगाना है तो आप क्या करोगे, इसी मैप को कॉपी करोगे। और ये देखिए टी डी एक ये आ रहा है, यहाँ पे टी डी क्लोज हो रहा है, यहाँ पे टी डी फिर ओपन हो रहा है। ये टी डी मैंने ऐड कर दिया। और प्रीव्यू, आपको फिलहाल अभी टी डी और डी आर इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ले मैन वाला रख लें कि अगर जैसे अगर जो बड़ी दादियाँ होती थी ना, तो जैसे मेरी दादी या नानी है, तो उनको हमने समटाइम ट्रेन किया होता था कि अगर आप ये वाला बटन दो बार दबाएंगी तो इसका नंबर आ जाएगा, तीन बार दबाएंगे तो इसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ट्रेन हो जाना है कि अगर टी डी आएगा तो आपने टी डी के बाद ही ऐड करना है, टी डी से पहले नहीं ऐड करना। ये टी डी आप लोगों को दो चार दिन में समझ आ जाएगा सारा। जब हम HTML का स्ट्रक्चर थोड़ा समझेंगे आपको समझ आ जाएंगे चीज़, ठीक है। कर सकते हैं रिसाइज, सोचना वो, ठीक है। अपडेट किया मैंने, अब आते हैं मैं आप लोगों को और डिफरेंट चीज़ें थोड़ी समझा देता हूँ जो कि थोड़ी और इंटरेस्टिंग है इसमें और बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेज बना लिया, अब मेरा पेज मेरे मेन्यू में नहीं शो हो रहा कहीं पे भी, ठीक है। यहाँ पेज मेरा शो होना चाहिए ना कहीं मेरे ब्लॉग पे, तो वो कैसे होगा? किसी ने ट्राई की हो? मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग घर जाके इसको थोड़ा देखना, नहीं हुआ था, ठीक है। आप जाएंगे अपने लेआउट में, नेविगेशन बार, ये देखें आपका ये रहा हेडर, एडिट करेंगे हेडर को। अब देखें हेडर में क्या क्या चीज़ें हैं आपकी। अगर आप इमेज को चेंज करना चाहें हेडर के, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इमेज कौन सा हेडर का? ये जो पार्ट है आपका, अब इसको चेंज करना चाहिए, चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे नेविगेशन बार आ रही है, एडिट करें। ये देखें ये आपकी टॉप नेविगेशन बार है, जो आपके पास ये शो हो रही है। आप इसको चेंज करना चाहें, इसका डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी रख लें, ब्लू करना चाहें ब्लू कर लें। सेव करें, रिफ्रेश करें, चेंज, ठीक है। हम वन बाय वन एलिमेंट्स को डिस्कस करते रहते हैं और क्या देखते हैं क्या आता है। आपके भी कंप्यूटर पर इशू होंगी, सिर्फ ये सेटिंग सिर्फ आपके लैपटॉप पे इशू होंगी, किसी और को शो नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से देखें आपके पास हेडर है, हेडर में आप इमेजेस ऐड करना चाहें, कलर स्कीम चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें, ऑल अबाउट, बैच 5, इमेज चेंज करना चाहें, सेव, तो आप कर सकते हैं। यह आ गया ऑल अबाउट नॉन टेक बैच 5, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें आपके पास इमेज का ऑप्शन है, इमेज का ऑप्शन आपके पास है, आप इमेज ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं कोई भी इमेज, ठीक है। सेव प्रीव्यू, हेडर पे इमेज ऐड हो गया, ठीक है। अब देखें यहां पे आता है ऐड गैजेट, आ रहा है। अब गैजेट्स बेस चलें, उससे पहले आप फेविकॉन समझ लें। फेविकॉन किसी को आइडिया क्या होता है, या फेव आइकॉन भी कहते हैं कुछ लोग इसको। आप लोग की चीज नजर आ रही है, देखिए ये जो छोटा सा आइकॉन नजर आ रहा है ब्राउजर पे, इसको फेव आइकॉन कहते हैं, या कुछ लोग इसको फेविकॉन भी कहते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन क्या है, कौन क्या कहता है, ठीक है। तो आप इसको चेंज करना चाहें इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपना मर्जी का लगाना चाहें। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं फेसबुक लग जाए यहाँ पर, आप सिंपल अपना फेसबुक का इमेज जो आपने डाउनलोड किया हुआ उसको सेलेक्ट करें, सेव, चेंज हो जाएगा थोड़ी देर तक। ये समटाइम कैशे में होता है तो ये चेंज नहीं होता, आपको आपको नज़र नहीं आ रहा होता, बट चेंज हो चुका होता है, ठीक है। अब आते हैं गैजेट्स पे। गैजेट्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके गैजेट्स आपके लिए एक जिसे कहते हैं टूल्स होते हैं, जो कि आपके ब्लॉग को अच्छा बनाने में या आपके ब्लॉग को अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प आउट करते हैं। सबसे पहले हम राइट बॉक्स की देख लेते हैं कि राइट बार में हमारे पास इस टाइम ब्लॉग पे क्या आ रहा है, अबाउट मी आ रहा है, और नीचे हमारे पास ब्लॉग आर्काइव आ रहे हैं। आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, आप इसको एडिट करें और इसको रिमूव कर दें, एडिट करें रिमूव कर दें। बेसिकली गैजेट्स आप देखें, मैं ऐड गैजेट करता हूँ, मेरे पास डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। फीचर्ड ब्लॉग पोस्ट, फीचर्ड ब्लॉग पोस्ट मीन्स कौन सी पोस्ट जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो कि वो यूज़र उसको टॉप पे शो होती रहे और साथ साथ साइड बार में भी टॉप पे शो होती रहे, आप फीचर्ड पोस्ट ऐड कर सकते हो। आप सर्च बार ऐड कर सकते हो कि लोग आपके ब्लॉग पे आके सर्च कर सकें। फॉर एग्जाम्पल चले हम सर्च ऐड कर लेते हैं, प्लस का साइन आपने प्रेस किया, सेव, आपका सर्च बॉक्स ऐड हो गया, ठीक है। ऐड न्यू गैजेट, आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग के स्टैट्स भी आते हैं, कितने लोगों ने आपके ब्लॉग को विजिट किया, ठीक है, ये मैंने किया। या के पास टेम्पलेट आ रहा है कि किस तरह का टेम्पलेट आना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इस तरह का टेम्पलेट आए, ठीक है, सेव, ऐड। आप चाहते हो कि आपकी रीसेंट पोस्ट आ जाए यहाँ पे, जो आपने पोस्ट की हुई है, ये रहा पॉपुलर पोस्ट। पॉपुलर पोस्ट किस कौन सी होती है, उसके व्यूज ज़्यादा हों, जो पॉपुलर हों, जो जिसकी शेयरिंग ज़्यादा हो रही हो, आप पॉपुलर पोस्ट ऐड करना चाहते हो, ये आपने ऐड कर दिया। लास्ट कितने डेज की पॉपुलर पोस्ट होनी चाहिए, आप डिपेंड करता कि आप कौन सी चूज़ करते हो, सेव, ठीक है। अब मैंने प्रीव्यू किया इसको, ये देख लें पॉपुलर पोस्ट मेरी एक ही है सिर्फ पोस्ट अभी, क्योंकि एक ही पोस्ट है उसी पे व्यूज सबसे ज़्यादा है, वो शो हो रही है, ब्लॉग के स्टैट्स आ रहे हैं और नीचे आपके पास ब्लॉग का सर्च बार आ रही है। आप चाहें तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर सकते हैं, ऐड गैजेट, ये रहा कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस का साइन प्रेस करें, सेव। पोजीशन आपने चेंज करनी है, सिर्फ ड्रैग करना है इसको और नीचे आ जाएगा, ठीक। प्रीव्यू, अभी जो कॉन्टैक्ट फॉर्म आया है, अब इससे जो भी ईमेल जो भी आपको कॉन्टैक्ट करना चाहे वो इसको फिल करेगा, तो आपको ईमेल किस एड्रेस पे मिलेगी जिसके थ्रू आपने साइन अप किया हुआ है ब्लॉगर पे, ठीक है। ये फुटर की सेटिंग्स है आपकी,
फुटर में आप चीज़ें ऐड करना चाहें, फुटर आपका बिल्कुल बॉटम का एरिया होता है, ठीक है। और अपने अपने लैपटॉप्स ऑन कर लें, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए चीज़ें। ग्राफ ऐड करना हो वो तो खुद आप इमेजेस ऐड करोगे उसके। स्क्रीनशॉट लेके ऐड कर सकते हो। क्या दरवाज़ में किसके दर किस में किसी किसी पोस्ट में या ब्लॉग में वो नहीं हो सकता। हो गए अपने ब्लॉग लॉगिन कर लें सब लोग। हो गए लॉगिन।